वही हो रहा है। एंड इसी बीच यहाँ पे देसी आजल भी आ चुके, जो कि इस बीच अपने लिए भी अच्छी पोजिशनिंग यहाँ पे ट्राई करेंगे। अल्सर ओपी की तरफ यहाँ पे एडीस लॉक इन किया जी, अभी को ऑफगार्ड पे आ गया, नॉकआउट करने के पूरे चांस रहेंगे, स्प्रे करें, लेकिन मूवमेंट देखिए आप अभी की, कितना साफ रहा कनेक्शन ऑफ में ढूंढता में जो आसानी थी उसमें कामयाब नहीं हो पाया। इस बीच इस पावर को डाउन करते क्लच गॉड, यहाँ पे वेकर के साथ डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे लेकिन इस पावर को नॉकआउट कर दिया गया। स्काउट के कवर, आई थिंक यहाँ पे कवर फायर और स्प्रेस काफी ऑन पॉइंट रहे, और अब टीम गॉडलाइक थोड़ा सा मुश्किल है। टीम एक्सपार्क की तरफ ये बैटल है, काफी ये मुकाबला टक्कर का होने वाला है, लेकिन डैमेज इस पावर को यहाँ पे मैच से नॉक किया गया। क्लच गॉड की हालत यहाँ पे काफी ज्यादा खराब कर दी गई, एंड अब सरतार जी यहाँ पे आगे जा रहे क्योंकि अल्ट्रॉन को फिलहाल वहाँ पे नॉक किया गया। किल को मैच से बाहर किया गया, उनका बैटल डैमेज काफी ज्यादा, डॉटेज भी उनके पास है, और इसमें सरदार जी अपने आप को पीछे लेके जाते हैं, पीछे से वो था कवर फायर आ जाता है, लेकिन कवर फायर इतना ज्यादा साफ की अब अपने आप को डैमेज यहाँ पे सामने वाले प्लेयर को इतने नॉकआउट करेंगे पूरे चांस। सरदार जी मवी काफी कमाल का एफर्ट, नो डाउट काफी कमाल का एफर्ट रहा, सामने भी डैमेज दे रहे, बैक साइड भी डैमेज दे रहे, लेकिन आपके लिए इतने सारे एंगल्स डैमेज आप कैसे दे पाओगे जब आप किस अपोनेंट में कहीं ना कहीं टीम गॉड लाइक इसी टीम आपके अगेंस्ट है, आपका सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, आपको कवर चाहिए होगा, आपको वो बैक सपोर्ट चाहिए होगा जो कि शायद अभी तक देखने को मिल नहीं रहा है। टीम एक्सपार्क लग रहा था सिचुएशन संभालने के लिए, यहाँ पे फिनिश करना चाहिए, एग्जैक्टली फिनिश किया गया। स्काउट ने यहाँ पे एस पावर को भी मैच से बाहर करने की कोशिश की, एस पावर को कवर फायर मिल जाता है नियो की तरफ से, एंड क्या रिवाइवल मिलेगा, नो दो प्लेयर।